लगता है कि मुनव्वर फारूकी भी ये दुकान में आ पहले काम करते थे और आज देखो किस मुकाम पे है। ये अलग अलग किस्म की सिकड़ी है, ये आजकल बारबेक्यू के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और फेमस है। 300 रुपीस में आपको ये आ जाएगी, अंदर चारा लगाना है और रख देना है आपको। जो आएगा खींचेगा बंद हो जाएगा। रोटी मेकर आपका जो बेलने का काम धाम है उसको आसान कर देगा, खाली आपको बंद कर देना है और आपकी गोल मटोल रोटी और या फिर पूरी रेडी हो जाएगी। चाइनीज फ्राइड राइस अगर घर में बनाना है, ये देखिए घर के लिए चूल्हे के लिए कितने का आएगा ये 300 रुपए। घर में अगर आपको एकदम भटियारे वाली बिरयानी बनाना है तो यहाँ पर प्रोफेशनल आपको हंडी आने वाली है। ये हंडी पे आप गौर करो, क्या खूबसूरत हंडी आपके घर में अच्छी भी लगेगी और ऑफिशियल बिरयानी जैसे बनती है ना वो बिरयानी बनेगी। क्या प्राइस की हंडी है भाई, जो पहले जमाने में लोग पैर पे रख के इसमें काटते थे भाजी वगैरह, 100 रुपए का ये 1400 रुपए का है। 1400 रुपए का फाइनल है। यहाँ पर भी कपड़ा सूखेगा, यहाँ भी सूखेगा और वहाँ भी सूख जाएगा। एक टी शर्ट है ना भाई, क्या प्राइस का ये, क्या प्राइस का ये आएगा? 250 रुपीज का, 6 पीस का आएगा। सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्राइस में मिलेगी, होलसेल एंड रिटेल दोनों। देखो ये सारी चीज आपको यहाँ मिलने वाली है, मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल एंड रिटेल का यूटेंसिल, बर्तन, सारी चीजें, कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर, ग्लास का हर चीज आपको यहाँ मिलेगी बहुत ही ज्यादा सस्ते और बेस्ट प्राइस में। तो मुंबई सीरीज अभी भी चालू है और मुंबई सीरीज का ये थर्ड ब्लॉग लेके मैं आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको इस मुंबई सीरीज में ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा मुंबई की जिसमें आपको शॉपिंग का, फूड ब्लॉग का, सारी चीज़ों का मज़ा मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा बहुत ही हट के और डिफरेंट लोकेशन आपको लेके जाऊँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए और मुझे वीडियो बनाने के लिए भी मज़ा आए। तो मुंबई के बहुत ही ज़्यादा फेमस भिंडी बाजार से लग के नल बाजार का ये एरिया है जहाँ पर बिग बॉस के विनर मुनव्वर फारूकी भी यहाँ काम करते थे। इसी लेन में आगे मैं दिखाने वाला आपको उनकी दुकान का थी और यहाँ पर आपको दिखाने वाला मुंबई का सबसे बड़ा बर्तन, यूटेंसिल और सारी चीज़ों का मार्केट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे टॉयज वगैरह, बंगड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला मुंबई का सबसे बड़ा बर्तन का, यूटेंसिल का और सारी चीज़ों का मार्केट। यहाँ से लेके आगे तक सारी दुकान है, तो स्टार्ट करूंगा मैं ये वाली दुकान से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली दुकान मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लद्दा भाई की दुकान। बचा दुकान आपका शब्बू खान भाई हमारे साथ है। ये लद्दा भाई की बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकान है और यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो सिकड़ी से लेके, ये देखो ये अलग अलग किस्म की सिकड़ी है। ये आजकल बारबेक्यू के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और फेमस है। अगर आपके फार्म हाउस आप हो या बकरी ईद है या कोई भी ओकेशन है आपको बारबेक्यू करना है तो ये बहुत बड़ी सिकड़ी आएगी, छोटी भी आएगी, बड़ी भी आ जाएगी ना। अलग अलग किस्म के चूल्हे यहाँ पर भी है। तो शब्बू भाई आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये ट्रेंड के हिसाब से बकरा ईद आने वाली है, इसका क्या सीन है, क्या प्राइस है, क्या डिटेल है? देखो ये बड़ी साइज की है, ये पड़ेगी आपको 750 रुपए की। 750 की खाली अपने वो सिकड़ी आ जाएगी, सिकड़ी जी। और अंदर जो ये जाली है वो उसी के साथ में है, ये सलिया अलग से लेना पड़ेगा। अच्छा, हर जगह से यहाँ पे मतलब कम रेट है। हाँ, ये 20 रुपए की एक सलिया पड़ेगी आपको, स्टील की है ये। अच्छा, ये 20 की एक आएगी? हाँ, 20 रुपए की एक आएगी बड़ी साइज। अच्छा, और अगर छोटी आप लोगे तो 15 रुपए 10 रुपए ऐसा आता है। और इससे बड़ी अगर चाहिए तो बड़ी भी मिलेगी, एक बार दिखाना ना। बड़ी साइज ये जो ये मोटी सलिया है, ये देखो अगर सीख कबाब बनाने तो मैन सीख का है, मैन सीख कबाब का है, आपको 90 रुपए की एक चीज पड़ेगी होलसेल भाव। ये एक 90 रुपए की? 90 रुपए का। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि भाव आगे जाता? नहीं नहीं, हर मार्केट में रेट निकालो फिर यहाँ पे लो, ऐसा है क्या जी? ये देख लिया भाई, हर जगह से मेरा ना शब्बू का ऐसा रहता है ना कि मैं अपने ऑडियंस को कंफर्म दिखाता हूँ कि जो बेस्ट प्राइस आपको दिखाऊंगा, है ना। तो ये कितना बोला आपने? 90 रुपए की एक चीज। चलो, ये क्या चीज की? ये पट्टी है। इससे क्या मतलब? सीख कबाब का है, मतलब चौड़ा वाला। अच्छा, चपटा वाला, ये जी। चलो ठीक है। अच्छा, इसमें अगर छोटी साइज की चाहिए तो है अपने पास? हाँ है ना सर, एक बार दिखाना जरा। ये 300 रुपए का है, ये देखो 300 रुपीज में आपको ये आ जाएगी। 300 यहाँ से जो है ये इसका विंडो है, ये ऊपर होके खुलता है किस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ से हवा करना है, अंदर जाली है और सलिया तो आपको मैं दिखा दिया। और ये जो नीचे रखी है ये दिखाना है, ये बड़ी साइज की, सबसे बड़ी है। ये कितने की आएगी? ये पड़ेगी आपको 850 रुपए का। ये 850 की पड़ेगी, ये सबसे बड़ी साइज की इनकी, ये देखिए। तो अलग अलग किस्म की यहाँ पर है। और ये क्या चीज है? ये चूल्हा है, चूल्हा है, हाई स्पीड का है। अच्छा, छोटा सिलेंडर जो कनेक्ट करके ये वो आ रहा है। बड़े सिलेंडर पे भी चलेगा ये, सही है, हाई स्पीड का है, सही है। एक बार इनकी दुकान यहाँ से दिखा देना, यहाँ पर देखो अलग अलग किस्म की सारी चीजें मिलेगी। अंदर चारा लगाना है और रख देना है आपको। हाँ, जो आएगा खींचेगा बंद हो जाएगा। ओहो, ये देखो 100 रुपए का आएगा। इसमें लकड़े वाले भी दिखाना जरा एक बार, ये देखिए यहाँ पर सारी चीज आपको मिलेगी। यहाँ पर चम्मच वगैरह, ये एक चीज मैं डिटेल में दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखिए लकड़े का भी है यहाँ पर, बड़ा साइज है। अच्छा, ये कैसा करना है पर दिखाना। और ये क्या प्राइस का है? ये भी 100 रुपए का है, बड़ा साइज है। ये भी लकड़े का भी 100 रुपए का है? हाँ जी, बड़ा साइज। अगर छोटा साइज लोगे आप 80 रुपए का है। 80 रुपए का छोटा जी, ठीक है। ये देखो क्योंकि इस तरीके से पकड़ा जाएगा, सही है। और ये पूरी मेकर क्या है पर ये दिखाना जरा भाई।
ये देखिए यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊँ जो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में आपको आने वाली है। ये पूरी और रोटी मेकर है क्या? रोटी मेकर है। अच्छा भाई साहब, ये लोखंड का? ये तो लोखंड का, हैवी क्वालिटी का है। एक बार दिखाना हाथ में जरा। हाँ देखो, ओ भाई साहब, भाई अच्छे खासे हैवी क्वालिटी का है और ये लोखंड का है। ये पुराने जमाने की तकनीक को यूज़ करके बनाया गया है। एक बार आप करके दिखाना कैसे होगा ये पूरा काम धाम। ये निकाल लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए लोखंड का रोटी मेकर है, ऑथेंटिक पुराने ज़माने का रोटी मेकर। थोड़ा स्क्रू से फिटिंग वगैरह करना पड़ेगा आपको। तो रोटी के बेलने के बाद इसमें डालना है? खाली वो पेड़ा रख देने का और फ्रेश हो जाएगा। अब पूरी वगैरह सब बन जाएगी? कुछ भी, पूरी का इससे छोटा आएगा और रोटी का और इससे बड़ा आता है। अच्छा, ये भी इसमें भी चपाती होता है। एक बार बताना पूरा प्रोसेस कैसा है। ये देखो, इसको ऐसा यहाँ पे रखे पेड़ा और फिर इसको आप बंद किए, उसके बाद में ये कर दिया। ये बंद कर दिया। क्या प्राइस इसका? ये 450 रुपए। 450 के लिए रोटी मेकर आपका जो बेलने का काम धाम है उसको आसान कर देगा। खाली आपको बंद कर देना है और आपकी गोल मटोल रोटी और या फिर पूरी रेडी हो जाएगी। ये लीजिए भाई, ये सब जो चीज है क्या पूरी वूरी के लिए क्या? ये चाइनीज का वोक है, मतलब राइस घर में राइस वाइस करने के लिए फ्राई। अच्छा, चाइनीज फ्राइड राइस अगर घर में बनाना है। ये देखिए घर के लिए चूल्हे के लिए कितने का आएगा ये? ये 300 रुपए का सर। 300 रुपए का घर में आप चाइनीज वगैरह बना सकते हो, ये उसके लिए आने वाला है। और ये जो है पुराने जमाने का खुपरा निकाला? हाँ ये सर है, बाजी वाजी काटने का, मटन काटने का। 100 रुपए जो पहले जमाने में लोग पैर पे रख के इस पे काटते थे भाजी वगैरह। 100 रुपए का ये जी। खुपरा निकालने वाला दिखाना। ये देखिए आप, ये कितने का है? 150 रुपए का। ये देखिए, ये आजकल देखने को मिलता है ना, ये खोपरा ओपरा निकालने का है ना जी, वही है। तो बेसिकली यहाँ पर भाई सारी चीज आपको मिलेगी बहुत ही ज्यादा होलसेल प्राइस में। भाई मुनव्वर फारूक की दुकान आपको पता है? जी आगे है। बताएंगे आप हमको कहाँ पर है? चलो आइए इनके देखते हैं कि मुनव्वर फारूक की दुकान कहाँ पर है। ये देखिए वो भाई हमें लेके जा रहे थे मुनव्वर फारूक जहाँ काम करते थे। लेकिन ये सारी चीजें देखो, यहाँ पर हर चीज आपको मिलेगी, चाहे प्लास्टिक की हो या फिर स्टील की हो या ग्लास की, सारी चीजें ये भी आपको यहाँ मिलेगी। आइए आगे आ जाइए, आइए आते थोड़ी देर में यहाँ पर भी आते। अंदर है क्या? मुंबई सीरीज के इस ब्लॉग में मेरा मकसद है कि आप लोगों को हर ऐसी चीज दिखाओ जहाँ पर आपको फायदा हो सके। तो मुंबई सीरीज के ये वाले ब्लॉग में नल बाजार में कवर करने आया था, जो भाई ने मुझे याद दिखाया कि मुनव्वर फारूकी भी ये दुकान में पहले काम करते थे और आज देखो किस मुकाम पे है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कुछ भी काम कर लो, आपके नसीब में जो है वो तो आपको साथ होने वाला है ना भाई। मुनव्वर भाई यहाँ पर ही थे? सही है। तो ये बर्तन की दुकान मुझे लगा कि छोटी मोटी है, लेकिन बहुत बड़ी इनकी अच्छी खासी दुकान है। और यहाँ पर एक खास बात मुझे ये लगी कि बर्तन यहाँ केजी के हिसाब से इनके मिलते हैं। जैसे ये जो रखा हुआ है यहाँ पर फातिक नसीब की दुकान है, ये पूरा पतीलियों का सेट है भाई। तो ये केजी के हिसाब से कितना रुपए केजी है? 300 रुपए किलो भाई, ये 350 रुपए किलो, तकरीबन 2200 रुपए का पड़ता है 9 पीस का सेट। 2200 का 9 पीस का सेट पड़ेगा ये देखो। सही है, अगर देखो शादी ब्याह में किसी को गिफ्ट करना है तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा चीज़ है। सही है। अच्छा ये तो हो गया, ये कौन सा वाला लगे ऊपर जो भाई? ये ब्लैक वाला है भाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको नॉन स्टिक बोलते हैं, हार्ड ऑन आइस। अच्छा हार्ड ऑन आइस बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, जलता वगैरह नहीं है। मैं आगे से दिखा देता हूं, निकाल के ये इसमें पकड़ लेना भाई। ये देखिए ये हार्ड ऑन आइस है और आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि हार्ड ऑन आइस में आप खाना बनाओगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। ये देखिए, और ये भी केजी के हिसाब से आएगा जी, 600 केजी है। ये 9 पीस का सेट आता है 5000 रुपए का। अच्छा ये दिखाना यहाँ पर था, ये देखो 9 पीस का सेट आएगा 5000 रुपए का। और कढ़ाई वगैरह का क्या भाव है भाई? वही भाव है भाई, किलो का ही भाव है, 600 अच्छा, केजी है। सही है यार, बहुत बढ़िया। एल्युमिनियम का चाहिए तो थोड़ा सस्ता है, पीस वाइज आते हैं। एल्युमिनियम का जो चाहिए ना आपको, ये पीस वाइज है 350 है पर पीस है। ये वाला? ये नहीं, नीचे वाला है। अच्छा ये वाला बोल जी जी, पर पीस है 350 है, 350 रुपीज का आएगा। देखो पर पीस ये निकाल देना, ये देखिए ये एल्युमिनियम का है। ये भी पहले जमाने में बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन क्या जमाने के हिसाब से लोगों की डिमांड और पसंद चेंज होती रहती है। ये देखिए पूरी दुकान इनकी यहाँ पर ही, आपको केजी के हिसाब से सारी चीजें मिलेगी, मटका वगैरह हर चीज आपको मिल जाएगी आपको, मतलब घर के लिए जो भी चाहिए। कुकर वगैरह क्या प्राइस से स्टार्ट होता है? 500 से स्टार्ट है 2 लीटर से। अच्छा अच्छा, कंपनी के सब गारंटेड है, सब पे वारंटी वगैरह कुछ है? वारंटी आती है 5 इयर्स का। सही है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक और चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है नल बाजार के बारे में, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, यहाँ पर जो अगर आपके पुराने बर्तन वगैरह है जी, तो वो अगर आप लाके दोगे तो उसका वजन होगा जी, और आप नए खरीद सकते हो पैसा ऐड करके जी। तो क्या वजन से रहते हैं? मैक्सिमम 180-200 केजी। अगर तांबा पीतल है तो तांबा 750 है। अच्छा, अगर पीतल है तो 600 केजी है। अच्छा पीतल है 600 केजी है। अच्छा, और तांबा है तो 800-750 है। ये देखो एल्युमिनियम 200 केजी ओल्ड। सही है, ये देखो आपके पुराने बर्तन आप लेके आओ, वजन कराओ, जो भी वजन रहेगा पैसा ऐड करो, आप ले सकते हो जो सामान लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम भाई? गुफरान।
बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान भाई। लेकिन आपको स्टार्टिंग बताया कि मुनव्वर फारूकी भी यहाँ पर थे और इतनी बढ़िया इनका मुझे सेटअप लगा, बहुत नीट एंड टाइटी वे में सारी चीज सिस्टमेटिक में यहाँ पर रखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान भाई टाइम देने के लिए, जजाक अल्लाह। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नल बाजार में आपको कांच के भी मिलेगी, लोखंड के, स्टील के, तांबे के, पीतल के, सारी चीज के बर्तन और यूटेंसिल हर चीज आपको मिलेगी, होलसेल रिटेल दोनों। ये देखो इनके पास कांच का पूरा सारी चीजें रखी है। ये पीछे वाला भी आपका ही है, तो पीछे आप देखोगे यहाँ प्लास्टिक की सारी चीजें है। पहले कांच में आपको दिखा दूं, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगा देखो ये देखो ये टी सेट है ना भाई, क्या प्राइस का ये? 900 रुपए का फाइनल प्राइस है। फाइनल सस्ता है ना ये? ये देखो भाई 900 रुपए का आपको आ जाएगा, कुछ इस तरीके का कप आ जाएगा, प्रिंट के साथ है और साथ में ये चाय का केटल आ जाएगा और नीचे सॉसर। इसमें जो सेट है ये कितने का भाई? ये 200 रुपए का। 200 रुपए का। और कितने का सेट है, प्राइस बताना जरा। ये 200 का है। कितना छह पीस का? 200 वाला। अच्छा ये पूरा रेंज 200 वाला है। ये देखो ईट वगैरह में आपको तिरकुरमा वगैरह बनाया, खीर बनाना, तो उसके लिए ये कितने का आ जाएगा? 250 का आएगा। 250 का आ जाएगा, सही है। ये देखिए प्राइस आपको मैं डिटेल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ये क्या सेट है? ये 300 रुपए का, छह ग्लास का, छह पीस, सही है, 300 रुपए का। और क्या चीज आपके कांच में जो नया है कुछ आया? देखो कांच के ग्लास आ जाएंगे, छह पीस कितने का आएंगे? 200 रुपए का आएगा। 200 में छह पीस। ये ग्रे वाला निकालना ना, क्या चीज है ये? हाँ ये क्या चीज है? ड्राई फ्रूट रखने का है। देखो ड्राई फ्रूट रखने का है, शो पीस का है, आपके टेबल पे आपकी शान बढ़ा देगा। क्या प्राइस का ये? ये आएगा 250। 250 का फाइनल प्राइस बता रहे हो आप? फाइनल, सही है। और होलसेल में अगर कोई लेगा तो और सस्ता है? और सस्ता है। ये देखिए होलसेल में अगर आप लोगे तो और सस्ता है। पीछे जो सेट रखा हुआ है गिफ्टिंग का सेट, ये क्या प्राइस का है? हाँ एक बार दिखाना जरा निकाल के। 250 की रेंज का है। देखो 250 रुपए में ये आ जाएगा आपको, अगर गिफ्टिंग वगैरह किसी को करना है तो बहुत ही बढ़िया ये होने वाला है। ये देखिए ये क्या टिफिन है क्या? ये टिफिन है, ये दिखाओ जरा। अच्छा माइक्रोवेव में भी चलेगा, नीचे कांच का है, कांच का है, माइक्रोवेव में भी चलेगा। अच्छा माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं आप। ये देखिए कांच का नीचे से है और ऊपर इसका ये एयर टाइट पैक दिया हुआ है, माइक्रोवेव फ्रेंडली है। क्या प्राइस का होगा ये? 150 का, 150 रुपए में आ जाएगा। ये देखिए प्लास्टिक अगर आपको नहीं यूज करना है तो कांच का यूज करो, बहुत ही बढ़िया लगा। इसमें बॉटल वगैरह क्या प्राइस की है? ये हाँ 40 रुपए से। 40 रुपए से यहाँ बॉटल स्टार्ट है। अच्छा पीछे डब्बे वगैरह रखे, क्या रेंज के? ये 70 रुपए का है। हाँ, और नीचे वो ग्रे वाला 100 ग्राम के, ये ग्रे वाला 100 रुपए का है। अच्छा सही ये है। वाला लेंगे 120 रुपए का है, सेट तीन पीस का सेट आएगा। हाँ, और ये जो बॉटल का ये पूरा इतना बड़ा 150 रुपीज का, 6 पीस का आएगा, सही है यार। ये देखिए यहाँ पर सारी आपको प्लास्टिक की जितनी भी चीज आपको मिलती है सस्ते प्राइस में। अच्छा प्लेट का क्या सीन है भाई, कौन सी प्लेट है, क्या है ये? 60 रुपया पीस है, एक पीस 60 रुपए का। मेला में इनका प्लेट ओवन वगैरह में चलेगा? ओवन में नहीं चलेगा, ओवन में नहीं चलेगा। ये देखो 60 रुपीज का एक पीस आएगा। ये देखिए प्लास्टिक में आपको सारी चीजें मिलेगी, आप एक एक चीज दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आपको लिमिटेड एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर स्टील की बॉटल से लेके प्लास्टिक का, वहाँ पर देखो आप शेकर देख सकते हो वो भी मिलेगा, ये चॉपर आ जाएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्राइस में मिलेगी, होलसेल एंड रिटेल दोनों है। भाई डस्टबिन क्या प्राइस है? 180 का। देखो ये ग्रीन वाला 180 का, बाजू वाला 200 रुपीज का है, सही है। ये देखो छोटा डस्टबिन कितने प्राइस का हमारा रखा है? वो वाला 120 रुपीज का। ये देखो सारी चीज आपको मिलेगी। बाजू में जो सद्दाम भाई की दुकान आपको दिखाया जहाँ पर कांच वगैरह की सारी चीजें, यूटेंसिल वगैरह थे, प्लास्टिक का भी था, उन्हीं के बाजू में यहाँ पर आया। क्या नाम आपको भाई? अहमद हुसैन भाई, कैसे हो? बढ़िया है। तो इनकी दुकान में मुझे दिखा यहाँ पर देखो कुकर वगैरह सारी चीजें यहाँ पर लाइन में रखी है। भाई सस्ते प्राइस के कुकर है अपने पास? जी सस्ते। कौन सा सस्ता दिखा देना जरा। अच्छा ये 600 रुपए का, कितना लीटर का? 5 लीटर का। ये देखो 5 लीटर का है, 600 रुपए का आएगा। अच्छा इसमें अगर ये मैट्रिक्स वाला देखेंगे तो ये कितने लीटर का? ये 5 लीटर का है। हाँ कितने में आएगा ये? पड़ेगा आपको 1600। एक उठा लेना जरा उसके ऊपर, वारंटी है कुछ? हाँ 2 साल की वारंटी। ये देखो ये आपको कितने? 1600 रुपए का फाइनल प्राइस है। नहीं कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए? कितना हो जाएगा? 1400 रुपए तक जाएगा। 1400 रुपए का हो जाएगा, सही है। ये देखो 1400 का ही हो जाएगा। अच्छा जो अंदर वाला खुलने वाला कुकर वो कितने का ये वाला? ये देखो यहाँ रखा है, 3 लीटर का है। कितने में आ जाएगा ये? की फाइनल 1200 रुपए का पड़ेगा, एकदम फाइनल, एकदम 1200 रुपए का 3 लीटर का। 3 लीटर। अच्छा इसमें स्टील वाले मिलेंगे तो? इसमें लेंगे तो कम का भी रहेगा। कितने में आ जाएगा? 600 रुपए का 3 लीटर का पड़ेगा। ये देखो 600 रुपए का 3 लीटर का आ जाएगा। ये 5 लीटर का है, 3 लीटर। कुकर की तो अच्छी वैरायटी आपके पास है भाई। ये ब्लू रखा है, ये क्या चीज है? ये नॉनस्टिक है, बाहर से कोटिंग है, अंदर से व्हाइट रहेगा, जर्मन का ही, बाहर से पॉलिश कर। क्या बात है, क्या प्राइस पूरा सेट आ जाएगा? ये पूरे पड़ेगा 4500 रुपए का। और उसके बाजू जो रखा है ग्रे वाला,
वो पड़ेगा आपको 2500 रुपए तक जाएगा। 2500 रुपए का पड़ेगा ग्रे वाला, सही है, सब नॉन स्टिक है ना ये? हाँ, पूरा नॉन स्टिक, ये बाहर से कोटिंग है, अंदर से व्हाइट रहेगा। अच्छा अच्छा भाई, ये दिखाना, ये क्या चीज है, ये उठा लेना, ये ग्रिल पेन है, मैं उठा दो, रुको, ये रुको, ये देखिए, ओ हो हो क्या बात है यार, ये खुलना जरा इसको ऊपर से, ये देखो ग्रिल पैन है, इस पर अगर आपको चिकन वगैरह या फिश वगैरह ग्रिल करना है तो इसमें देखो ग्रिप वगैरह दिया हुआ है, इसकी लाइनिंग दी हुई है और उसकी लीड उसके ऊपर रख देना जरा भाई। ये देखिए क्या प्राइस का आ जाएगा, ये पड़ेगा आपको 1800 रुपये। 1800 रुपये का, ये कम वाला भी आएगा। ये फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा इसका? ये 1600 रुपये का जाएगा। 1600 इसका फाइनल प्राइस आएगा। इसमें कम वाला कौन सा बता रहे आप? कम वाला भी दिखा दो जरा, ये देखिए। अच्छा ये देखो, ये ब्रांडेड वाला है और ये नॉन ब्रांडेड वाला, ये कितने का आ जाएगा? ये पड़ेगा 450। 450 वाला, लेकिन छोटा भी है ना? हाँ, छोटा भी, बड़ा भी मिल जाएगा। बड़ा कितने में आएगा इसमें? ये 100 रुपये ज्यादा रहेगा। 100 रुपये ज्यादा है, चलो ठीक है। अगर आपको एकदम भटियारे वाली बिरयानी बनाना है तो यहाँ पर प्रोफेशनल आपको हंडी आने वाली है। ये हंडी पे आप गौर करो, क्या खूबसूरत हंडी आपके घर में अच्छी भी लगेगी और ऑफिशियल बिरयानी जैसे बनती है ना वो बिरयानी बनेगी। क्या प्राइस का आ जाएगा भाई? ये 1800। 1800 रुपये का फाइनल प्राइस बताना। 1600 रुपये। 1600 फाइनल होएगा। कितना लीटर की है, क्या है ये? 8 लीटर की है। 8 लीटर की, सही है। और इसके साथ में लीड भी आ जाएगा। लीड भी साथ, ये देखिए क्या खूबसूरत लगने वाली है। इससे भी बड़ा साइज भी है। अच्छा, ये उससे बड़ा साइज है, ये देखिए भाई साहब। ये क्या प्राइस का आ जाएगा? ये पड़ेगा 2000। 2000 रुपए का आएगा फाइनल प्राइस। ये है 2600 रुपये का, मगर आपको 2000 का पड़ेगा। ये देखो अच्छी खासी हेवी वेट है इसका। इसके साथ में लीड आ जाएगा। हाँ, सब लीड का। ये देखिए, ये देखिए, बिरयानी अगर आपको बनाना है तो ये बहुत बढ़िया चीज है। बिरयानी, खिचड़ा, हर चीज बन जाएगी, सही है। और इसमें छोटी छोटी साइज का भी है ना यहाँ पर। ये देखिए, हर साइज की चीज आपको मिलेगी। अगर आपको सेट लेना सेट ले सकते हो, नहीं तो आप सिंगल भी ले सकते हो। यहाँ पर जो है डेग वगैरह भी आपको मिल जाएगी, अलग अलग साइज की डेग है जिसमें जो है बड़े बड़े खिचड़ा वगैरह ये सब आइटम बनते हैं। क्या प्राइस की डेग से स्टार्ट होती है? 1200 रुपये का है। 1600, 1800, 2000, 2200 जैसा कम ज्यादा हो जाएगा ना? कम। ये देखिए, आप यहाँ पर आइए इनकी दुकान पे, कम ज्यादा हो जाएगा। नल बाजार के साथ में इनकी दुकान है, मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाऊंगा अभी कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली भाई ऐसा है कि डेग हो गया, बर्तन हो गया और सारी चीज आपको मिलेगी। भाई पुराने बर्तन देखे नया भी मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर पूरा नल बाजार में खासियत ये है कि आपके घर का पुराना बर्तन है, बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, तो वजन के हिसाब से वो लेके नया आपको मिल जाएगा। घर में अगर कपड़े सुखाने का आपको प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही बढ़िया कपड़ा सुखाने का स्टैंड आने वाला है। ये कुछ ऐसा इस तरीके से खुल जाता है। ये देखिए, ये देखिए, क्या प्राइस का आएगा भाई? ये 1800 रुपये का। 1800 रुपये का। इसमें अगर बड़ा लेंगे तो बड़ा आएगा 2500 रुपये का। 2500 रुपये का, देखिए वहाँ दिखा देना एक बार। ये बिग साइज आएगा। हाँ, ये सबसे स्मॉल है। 1800 रुपये का। और ये मीडियम क्या प्राइस का है? ये पड़ेगा 2000 का पड़ेगा, 2500 का पड़ेगा। अच्छा, ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना। अच्छा मेरे को बताना, ये स्मॉल साइज का जो है कपड़ा स्टैंड, ये फाइनल कितने में दोगे? फाइनल आपको ये 1400 रुपये का है। 1400 रुपये का फाइनल आएगा। ये देखो, यहाँ पर भी कपड़ा सूखेगा, यहाँ भी सूखेगा और वहाँ भी सूख जाएगा, सही है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, वो भिंडी बाजार वहाँ पर है और यहाँ से थोड़ा ही आगे पाऊंगे तो नल बाजार स्टार्ट होता है। और ये देखो, ये सारी चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल एंड रिटेल का यूटेंसिल, बर्तन, सारी चीजें, कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर, ग्लास का हर चीज आपको यहाँ मिलेगी, बहुत ही ज्यादा सस्ते और बेस्ट प्राइस में। तक का सेट है पानी का, पहले जमाने के रॉयल जो सेट होते थे ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो डिजाइन नक्शी है और ये स्टील का ग्लास है, ये स्टेनलेस स्टील का। भाई कितने का ये पूरा सेट? 1450 रुपये का। 1450 रुपये का। भाई ये जो पीछे रखा है सर्विंग, हाँ सर्विंग बॉल दिखाना जरा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये क्या प्राइस का आएगा? ये 2000 रुपीज का पूरा, तीन पीस का सेट। तीन पीस का कौन सा? ये देखिए, कुछ तीन पीस का ऐसा आएगा 2000 विथ लीड, लीड के साथ, सही है। ये देखिए, देखिए अलग अलग चीजें यहाँ पर रखी है, अलग अलग कलर की आपको मिलेगी। आगे दिखाना फातिक लेके आगे। ये क्या प्राइस का है? आपको एक चीज खासियत मिलेगी कि यहाँ पर जो पुराने बर्तन लाओ और नए बर्तन कुछ इस तरीके से, जो भी पैसा एड ऑन रहेगा वो देके लेके जाओ। मुंबई सीरीज का मेरा थर्ड ब्लॉग, मैं कोशिश कर रहा कि छोटा से छोटा ब्लॉग बनाने की, ताकि आप लोगों को पूरा दिखने में मजा आए और ज्यादा लंबा ब्लॉग खींचे ना। तो ये मुंबई सीरीज का थर्ड ब्लॉग मैंने कवर करा नल बाजार में। जल्द मिलूंगा आपको न्यू ब्लॉग के साथ।